डेटास्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर सिक्स पार्ट वन है जिसमें हम बीएस एस थर्ड टर्म का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, वो प्रोवाइड किए जाएंगे इसी पेपर के डिस्प्ले में आपको शॉर्ट आंसर्स और ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, वो दिखाए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट व्हाट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नेम एनी टू नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप जो हैं अपनी जो भी आइटम है कोई भी डाटा है उसे सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे मतलब डाटा स्ट्रक्चर व डेटा आइटम्स आर नॉट ऑर्गेनाइज और सिक्वेंशली ग्राफ्स एंड ट्रीज है बाइंडरी ट्रीज है और स्पैनिंग ट्रीज है तो यहाँ पर एक सीक्वेंस नहीं होता जबकि लिंक लिस्ट अरे एक सीक्वेंस के साथ एक एलोकेटन उन्हें की जाती है लोकेशन जैसा हमारे पास अरे है तो वहाँ पर इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है और अप टू सोन एक सीक्वेंस में काम चल रहा है जबकि ट्रीज और ग्राफ में क्या होता है कि आप जो वर्टिसेस हैं नोट्स हैं उन्हें कनेक्ट कर देते हैं जैसा हमारे पास ग्राफ है तो आपने इन दो वर्टिसेस को कनेक्ट कर दिया वी वन को वी टू के साथ तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस तो नहीं है ये वाला वर्टिस इससे साथ भी हो सकता है ये आगे किसी और के साथ भी हो सकता है कनेक्ट तो इस तरह नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास ग्राफ ट्रीज बाइंड्री सर्च ट्रीज और स्पैनिंग ट्रीज आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी रेफरेंसेज आर नॉर्मली यूज टू अ क्यू डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास टू रेफरेंसेज होते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर को मैंटेन करने के लिए एक फ्रंट और एक रेयर फ्रंट से आप जो है एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे होते हो रेयर वो पोजीशन होते हैं जिसमें आप क्यू में डाटा एंटर कर रहे होते हो और इसी को फॉलो करते हो आप डाटा को इन्जर्ट कर सकते हो इन क्यों करते हो डी क्यों करते हो नेक्स्ट है वर्ड इज़ हैश टेबल एंड वाई इट इज़ यूज हैश टेबल आप क्यों यूज़ कर रहे होते हो और ये होता क्या है बेसिकली हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोर करना चाहते हैं डाटा स्ट्रक्चर में जब हम डाटा को स्टोर करने लगते हैं हमारे पास एक हैश टेबल है आप कैसे स्टोर करेंगे क्या मेकनिजम होगा उसके पीछे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हैश फंक्शन को अब हैश फंक्शन आपको बताता है कि अरे के एलिमेंट को आपने कैसे स्टोर करना है जिस तरह आपके पास पोज एक अरे है वन टू ट्वेल्व या आपके पास एक रैंडमली एक अरे दे दी गई है अब इस टू ने किस जगह स्टोर होना है ट्वेल्व ने किस जगह स्टोर होना है फोर्टीन ने और वन ने कहा कहाँ स्टोर होना है यह आप हैश फंक्शन के थ्रू कंप्यूट कर रहे होते हैं बेसिकली हम अरे के एलिमेंट्स के लिए इंडेक्स जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हम एलिमेंट को कैसे स्टोर करें जैसे हमारे पास टू है तो हम उसे किस जगह पर बताएं कि इंसर्ट करना है या अगर आपने सर्च करना है तो भी आप हैश फंक्शन को यूज़ करते हो आपको एक फंक्शन दिया जाता है जिसके थ्रू आप की वैल्यू पेयर्स के लिए लोकेशन फ़ाइंड आउट कर रहे होते हो क्या आपने एलिमेंट को कहाँ इंसर्ट करना है या आपके पास जो गिवन एलिमेंट है आप उस कहाँ पर स्टोर है उसकी लोकेशन फ़ाइंड आउट कर सकते हो है, इसे हैश फंक्शन से By using a good hash function, hashing work and works well. Some example of how hashing is used in lives. University each student sign a unique roll number. तो so, अब वो roll number है जिसके अगर आपको हमारे पास सब roll number sign किराते हैं, आपका भी कोई roll number होगा, तो वो used होता है कि आप उस person की information get कर सकों कि ये roll number है तो आप जो है वो इन्फॉर्मेशन उसकी सारी ले सकते हो कहाँ रहता है क्या नंबर है उसका और क्या स्टडीज़ के लिए वो कौन सा कोर्स को फॉलो कर रहा है इन लाइब्रेरीज ईच बुक इज़ असाइन यूनिक नंबर डेट कैन बी यूज टू डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुक एग्जैक्ट पोजिशन इन द लाइब्रेरी और द यूज़र इट हैज़ बीन इशूड मतलब बुक कहाँ पर एग्जैक्ट पोजिशन कहाँ पर वो रखी गई है बुक और उसके बाद कि वो बुक किसने इशू कराई है ये सारा कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है आप डायनेमिक से ही देख सकते हैं कि उसका मतलब है चेंज होना तो ये वो डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप कलेक्शन तो करोगे डाटा की क्योंकि एक डाटा स्ट्रक्चर है डाटा कलेक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज़ हो रहा है अब यहाँ क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी का साइज़ होगा ना वो फ्लेक्सिबल होगा रेफर कलेक्शन ऑफ डेटा इन मेमरी डेट हैज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी टू ग्रो और श्रिंक इन साइज मतलब मेमरी का जो साइज़ है फ्लैक्सीबल है आप उसे इंक्रीज भी कर सकते हो और उसका साइज श्रिंक भी कर सकते हो तो कम भी कर सकते हो इेबरिंग प्रोग्रामर टू तो कंट्रोल एग्जैक्टली हाउ मच मेमरी इज़ यूटिलाइज इससे प्रोग्रामर को एक कंट्रोल मिल जाता है कि वो एग्जैक्टली देख सकता है कि कितनी से यूटिलाइज करनी है और वो उसे कम करके जितना उसका यूज है उतना रख सकता है Use and वो ह्यूमंस के लिए रीड करना आसान है जिसमें आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है मल्टीप्लाई प्लस फाइव सिक्स थ्री अगर आप इनफिक्स से करोगे आपको सबसे पहले क्या करना होगा पैरतीसिस को भी देखना होगा और ऑपरेटर प्रेसिडेंस को भी देखना होगा कि आप इनफिक्स कर रहे हो तो आप क्या चीज़ पहले परफॉर्म करो क्यों क्योंकि आपको इसे पहले इनफिक्स में लिखना होगा आप इनफिक्स में कैसे लिखेंगे आप कहेंगे फाइव अब ये जो प्लस है ये हमारे पास जो है वो यहाँ राइट डाउन हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन जो है इन दो के दरमियान आएगा तो ये क्या बन जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई थ्री अब आप, आप यहाँ पैरेंथेसिस को भी देखेंगे इनफिक्स में और आप ऑपरेटर की प्रिसडेंस भी देखेंगे जबकि हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की बात करें तो वो ईजियर होता है मशीन के लिए क्योंकि वहाँ पर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का जो रूल है वो फॉलो नहीं करना पड़ता क्या आप पैनलिस को पहले सॉल्व करें फिर आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करें जिस ऑपरेटर की ज़्यादा प्रेसिडेंस है आप उसको पहले सॉल्व करें जिसके काम है उसको बाद में करें जैसा हमारे पास प्री फिक्स में आप फाइव और सिक्स को जो है वो प्लस ऐड कर देंगे तो आपके पास इलेवन हो जाएगा फिर आप इलेवन को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री से तो आपके पास प्री फिक्स का आंसर जो है वो थर्टी थ्री आ जाएगा लेकिन जब आप इन फिक्स में करते हैं तो आपको सिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना होगा थ्री से और फिर आप ऐड कर सकते हो फाइव के साथ क्योंकि हम इनफिक्स में ऑपरेटर की प्रेजिडेंस को काउंट डाउन करते हैं मतलब उनसे उसे आपको वैल्यू देनी है ये नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर दें आप इनफिक्स कर रहे हैं तो आपको ऑपरेटर की प्रेजिडेंस को देखते हुए ही उसे कैलकुलेट करना है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वाई वो यूज प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्सेशन नेक्स्ट है डिफाइन अ कम्प्लीट बाइनरी अ कम्प्लीट बाइनरी इज अ बाइनरी इन विच एवरी लेवल इज कम्प्लीटली फील्ड एंड आल नोट आर एस फॉर लेफ्ट एज पॉसिबल या और इसकी ये भी बात है कि या तो आपके लेफ्ट वाली साइड कम्प्लीटली फील्ड हो रूट नोट की या फिर आपके तमाम के तमाम नोट जो हैं कम्प्लीटली फील्ड हो तो वही कम्प्लीट बाइंड्री खिला है जिसमें बाइंडट्री ऑफ डेप डी इस कार बाइंड ट्री कम्प्लीट बाइंड्री इफ आल ऑफ हुर एट लेवल डी जिस तरह यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई गई है ये लेवल सॉरी डेप जो हम देख रहे हैं यहाँ पर डी ज़ीरो है यहाँ पर वन है यहाँ पर टू यहाँ पर थ्री तो डेप्थ आपकी कितनी होगी थ्री गए अब अगर आपके तमाम लीव नोड्स इस लेवल पर हैं तो आप कहेंगे ये कम्प्लीट ट्री है जैसा हम कहते हैं आपके ये ना हो दो सपोज आप यहाँ से हटा देते हैं तो ये आपका डी भी तो एक लीव नोड हो जाएगा तो आपके लीव नोड का लेवल जो है वो चेंज हो गया है जबकि कम्प्लीट ट्री के लिए कंडीशन है कि तमाम के तमाम लीव नोड डेप्थ के अकॉर्डिंगली एक ही लेवल पे हों किस लेवल पे जो कि आपके बाइनरी ट्री की डेप्थ है मतलब आपके पास जीरो आ रही है तो इस लेवल पे ही आपके थर्ड लेवल पे ही तमाम के तमाम लीव नोट होने चाहिए जो आपके तमाम लीव नोट इस लेवल पे होंगे तो उस बहुत आपका जो है वो क्या होगा कम्प्लीट बाइनरी ट्री होगा एवरी लेवल ऑफ ट्री इज कम्प्लीटली फिल्ड इसका बाइनरी ट्री आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू इन अ बाइनरी सर्च ट्री

अब आपने इंसर्ट करना है फोटी आप स्टार्ट कर देंगे रूट से ट्वेंटी को देखेंगे ग्रेटर नहीं है आ, आप, आपके पास इंसर्ट करना है फोर्टी ग्रेटर है तो आप राइट साइड में मूव कर जाएंगे थर्टी थर्टी के भी आपके पास लीव नोड आया है तो आपने यहाँ पर राइट साइड पे इंसर्ट करना है फोर्टी मतलब आपने सर्च करना स्टार्ट किया जो आपने सर्च करना स्टार्ट किया आपने लीव नोड तक सर्च करना है और फिर अपने रूल के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने इंसर्ट कर देना सब थर्टी आपके पास स्मॉलेस्ट है रूट तो आपने राइट साइड पे फोटो को इंसर्ट कर देना है नेक्स्ट है वर्डर राइट द नेम ऑफ टू सॉर्टिंग टेक्निक टेक्निकेट यूज रिकर्जन बबल शॉर्ट और मर्सॉर्ट दो ऐसी टेक्निक है जो रिकर्शन को यूज़ कर रही होती हैं इसमें हम बबल सॉर्ट में कंपैरिजन के थ्रू जो है सॉर्ट कर रहे होते हैं पासिस होते हैं हमारे पास और मर्ज सॉर्ट में आप जो है पहले दो सब अरेस बनाते हो और फिर दोबारा फंक्शन को कॉल करते हो और उस तरह से आपकी रिकर्जन यूज हो रही होती है दो सब अरेज बनेंगी फिर जब आपकी सॉर्ट हो जाएंगी दो तो सफर उसके बाद आप एक और दफ़ा फंक्शन को कॉल करोगे जो इन सबको कंबाइन कर रहा होगा राइट द नेम ऑफ टू पैरामीटर्स द ग्राफ में हमारे पास दो पैरामीटर्स कौन से होते हैं वर्टिसेस एंड हाउ मैनी आर कॉन्टेन अ फुल बाइनरी विद अ लीव्स नोड एन अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि अगर आपके पास लीव नोड्स एन हैं तो कितने आप कॉन्टेन करेंगे नोड्स फुल बाइनरी में तो ए की आपके पास जो लेवल ज़ीरो है अगर आपने उस नोड पे देखना है उस लेवल पे आप देखना चाहते हो कितने नोड हैं तो आप टू की पावर एन करोगे अगर आप पूरे के पूरे अपने ट्री का देखना चाहते हो तो आपके पास क्या फार्मूला है टू की पावर एन माइनस वन यहाँ पर जो एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अपने लीव्स नोट जो हैं वो राइट डाउन करें आपके पास यहाँ पर गिवन जो ट्री है इसमें फ़ोर लीव्स नोट हैं तो टू की पावर फोर माइनस वन आपके पास एट माइनस वन आएगा जो कि आंसर आपको करेगा सेवन तो आप यहाँ काउंट करें आपके पास सेवन नोड्स हैं नेक्स्ट देखेंगे फुल बाइनरी हैज़ ज्यूमिंग की पावर है नोड्स एट ईच लेवल के मतलब हर लेवल पे अगर आपने देखे तो आप टू की पावर एन करेंगे अगर आपने पूरा ऑन द होल देखते हैं कितने नंबर ऑफ लीव्स नोड होंगे आपके पास उससे कैलकुलेट करना चाहते हैं नंबर ऑफ नोड्स को बाइनरिटी के तो आप जो है लीव्स नोड के थ्रू यानी कि क्योंकि बार एन माइनस वन करेंगे लीव्स नोड को काउंट करेंगे और उससे भी आप हाँ पता लगा सकते हैं कि फुल बाइंड्री में कितने आपके पास नोड हैं नेक्स्ट है विच डाटा स्ट्रक्चर आर यूज फॉर ट्राइवर्सिंग ग्राफ बाय ईच एल्गोरिथम डेप फॉर सर्च और बेथ फॉर सर्च हमारे पास ये दो एल्गोरिथम है जो हम यूज करते हैं ट्रैवर्स करने के लिए विजिट करने के लिए ग्राफ को स्टैक के थ्रू हम काम कर रहे हैं डेप फॉर सर्च में और हम जो है यहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट के मैनर को यूज करते हैं और ब्रेथ फॉर सर्च में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मैनर यूज करते हुए ग्राफ को टाइवर्स कर रहे होते हैं विजिट कर रहे होते हैं फंक्शन रिकर्सन एक हमारे पास बेसिकली फंक्शन है जो अपने आप को कॉल कर रहा होता है अब वो किस पेस पर पे कर रहा होता है बेस्ड ऑन टर्मिनेटिंग कंडीशन मेक यूज ऑफ द स्टेप यूजिंग लाइफो कॉल टू रिकर्सिव फंक्शन सेवस द रिटर्न एड्रेस अगर हम लाइफो को यूज़ करते हैं रिकर्सिव फंक्शन अपना जो रिटर्न एड्रेस है वो स्टोर कर लेते हैं सो डैट नोज हाउ टू रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन आउटर द कॉल टर्मिनेट्स जब कॉल टर्मिनेट होगा तो किस तरह उसने वापस जाना है किस तरह रिटर्न करना है कॉलिंग उसे पता होगा वाई डिजिक्सट्रा एलग्रिदम इज़ यूज डिजिक्सट्रा एलग्रिदम जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली पर्पज़ यहाँ पर क्या है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना चाहते हो आपके पास जो है ग्राफ दिया जाता है एक स्टार्टिंग नोड होता है और बाकी सारे नोट जो हैं वो कनेक्ट हैं रैंडमली कोई इससे कनेक्ट है कोई इस, को इस तरह कनेक्ट है आपके पास ठीक है ये नोड कनेक्ट हो गए आपके स्टार्टिंग एक नोड दिया जाता है अब आपने इस स्टार्टिंग नोड से जो है वो पाथ फाइंड आउट करना है लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ पार्थ कैन बी यूज दिंगल सोर्स पाथ फ्रॉम वन नोड इन अ ग्राफ टू एवरी अदर नोड मतलब एक नोड से हर नोड तक का आपने जो है वो पार्ट फाइंड आउट करना है विद द द सेम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड आर रीचेबल फ्रॉम स्टार्टिंग नोड मतलब स्टार्टिंग नोड से ये आपको नोड्स रीच हो रहे हैं मिल रहे होते हैं जिस तरह कैन यूज टू फाइंड द शॉर्टेज पार्ट आपके पास यहाँ पर फोर है यहाँ पर आपके पास जो कॉस्ट आ रही है थ्री आ रही है यहाँ टू आ रही है और यहाँ वन आ रही है आप कैलकुलेट करेंगे इस नोड पे आपके पास जब आप जा रहे हैं तो आपको फोर कॉस्ट आ रही है अगर आप इस तरह से जाते हैं मतलब तो ये पाथ फॉलो करते हैं थ्री टू फाइव और वन सिक्स सिक्स रहे तो आप कौन सा लेंगे ये शॉर्टेस्ट पाथ आप लेंगे इसी तरह अगर आपने इस नोट पे आना है तो आपको थ्री कॉस्ट पड़ रही है और अगर आपने यहाँ पर आना है तो आपको फाइव कॉस्ट पड़ रही है जबकि आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो भी आपकी फाइव ही कॉस्ट लगेगी जिस तरह आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करके वो राइट डाउन करते हैं इस ये ए है ये बी ये सी ये डी आप राइट डाउन कर लेते हैं के बी पर जाने के लिए आपके पास कितनी कॉस्ट आ रही है फोर फिर आपके पास सी पर जाने पर कितनी कॉस्ट आ रही है थ्री इस है कॉस्ट कैलकुलेट करके राइट डाउन वट इज डेटा एब्सट्रैक्शन डेटा ऑब्सट्रक्शन इज द रिडक्शन ऑफ पार्टिकुलर डेटा ऑफ बॉडी टू अ अम्पलीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल आप क्या करते हो ऑब्सट्रैक्शन में जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उनको हाइड कर देते हो और यूजर को जस्ट उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जस्ट एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आप रिप्रेजेंट करते हो इन जनरल इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अवे और रिमूविंग करेक्टर फ्रॉम समथिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट टू सेट ऑफ असेंशियल करैक्टरिस्टिक्स मतलब आपने कुछ करैक्टरिस्टिक्स को रिमूव कर दिया और आपने क्या रिप्रजेंट किया किस तरह से उसे कन्वर्ट कर दिया आपने सेट ऑफ असेंशियल करैक्टरिस्टिक्स में आपने रिप्रजेंट किया इस तरह से आपकी डाटा एब्स्रक्शन होती है मतलब तो आप डाटा को ऑब्सट्रैक्ट कर देते हो हाइड कर देते हो यूजर से और अननेसेसरी डिटेल्स को हम इसमें हाइड कर रहे होते हैं और जस्ट जो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं डाटा की वो रिप्रेजेंट करते हैं इन वर्ट एरियाज डू डाटा स्ट्रक्चर अप्लाई डाटा स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट इन आलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट वेयर डाटा इज इन्वॉल्व जहाँ जहाँ डाटा इन्वॉल्व होगा वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है इन जनरल ग्रिदम डेटा इन्वॉल्व एफिशेंट डाटा स्ट्रक्चर इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग एरियाज न्यूमेरिकल मेरिकल एनालिसिस ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर्स हैं डिजाइन कर रहे हैं आप कंपाइलर डिज़ाइन करें तब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है ग्राफिक्स हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं तो इन जगहों पे आपको जो है वो डाटा स्ट्रक्चर अप्लाइड कर रहे होते हैं हम क्योंकि डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है डाटा है आप उसको मैनेज कर रहे हो तो वहाँ पर भी डाटा स्ट्रक्चर अप्लाइड हो रहा है ग्राफिक्स में तो इस तरह वो जगह हैं जहाँ पर हम डाटा स्ट्रक्चर अप्लाइड कर रहे होते हैं नेक्स्ट है हाउ आर नोट इन अ कम्प्लीट बाईन ऑफ लेवल फाइव अब बाइनरी ट्री लेवल स्टार्ट एट जीरो फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री टू की पार आई नोट एट लेवल आई मतलब लेवल आई आपके पास कोई भी लेवल है तो उसमें कितने नोड्स होंगे टू की पार आई एट लेवल जीरो देर इज़ वन नोड एट लेवल वन देर आर टू नोड्स एट इट गोज ऑन सर हमने टू की पार जीरो टू की पार वन टू की पार टू टू की पार थ्री टू की पार फोर टू की पार फाइव इन सबको ऐड करना होता है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आप इस तरह भी ऐड कर सकें लेकिन आपको जब ज़्यादा लेवल दे दिए जाए सिक्सटी फोर लेवल कह दिए जाएँ तो क्या आप इस सब पावर्स देते रहेंगे तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है टू की पावर एच प्लस वन और माइनस वन मतलब पावर आपने किसकी देनी है जो आपकी हाइट होगी जो लेवल होंगे उसमें एक ऐड करके हमने किया है टू की पावर सिक्स सिक्स क्या है आपके फाइव हाइट है लेवल्स हैं प्लस वन सिक्स हो गया तो की पावर पारिक्स करेंगे और माइनस वन कर देंगे जिस तरह आपको ये पता चल देगा कि नोड्स होंगे लेवल फाइव तक आपके पास नेक्स्ट चलेगा आपको दिखा दिया गया देगा डूकी पार जीरो आपके पास की पावर एच तक का है और इसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं डूकी पार एच प्लस वन माइनस वन तो इस तरह आपके पास जो है वो नोड्स आ जाएंगे कि कितने नोड्स होंगे आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री में i hope you understand this still have any problem can ask me in comment section i will respond to you as soon as possible thank you for watching my video allah hafiz and take care of yourself